आप सभी दोस्तों को अंगारक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे अंगारक चतुर्थी से संबंधित जानकारी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई खास तिथि किसी विशेष दिन होती है तो कई शुभ अशुभ योग बनते हैं। अंगारक चतुर्थी भी इनमें से एक है। ये तिथि भगवान श्री गणेश के साथ साथ मंगल देव की पूजा के लिए भी बहुत शुभ मानी गई है। इस दिन मंगल ग्रह से संबंधित उपाय करने से कई दोष दूर होते हैं। मई 2023 में अंगारक चतुर्थी का शुभ योग बन रहा है। ये योग साल में दो या तीन बार ही बनता है। आइए जानते हैं इस दिन की तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ। पहले सुनते हैं इस पूजा का महत्व। संस्कृत में अंगारकी का अर्थ है लाल रंग में जले हुए कोयले। गणेश पुराण और स्मृति कौस्तुभ जैसे वैदिक ग्रंथों में अंगारकी चतुर्थी के महत्व का उल्लेख किया गया है। अंगारकी चतुर्थी मुक्ति का दिन है और इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। गणेश जी का व्रत करने से आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है और आपको एक संतुष्ट जीवन का आशीर्वाद मिल सकता है। अंगारकी चतुर्थी 6 महीने में एक बार आती है और भगवान गणेश बुद्धि के सर्वोच्च भगवान। इस विशेष दिन पर भगवान गणेश की पूजा समृद्धि और खुशी का अनंत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा की जाती है। और आइए अब जानते हैं इसकी तिथि और पूजा का शुभ समय। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 22 मई सोमवार की रात में 11:19 से शुरू होकर 23 मई मंगलवार की रात में 12:58 तक रहेगी। क्योंकि चतुर्थी तिथि का सूर्योदय व चंद्रोदय दोनों ही 23 मई को होगा, इसलिए इसी दिन गणेश चतुर्थी तिथि मानी जाती है। मंगलवार की चतुर्थी तिथि होने से ये अंगारक चतुर्थी कहलाएगी। और अब जानते हैं गणेश भगवान की पूजा का शुभ समय। अंगारक चतुर्थी 2023 को गणपति भगवान की पूजा का समय है। सुबह 10:56 से लेकर के दोपहर के 1:40 तक भगवान गणेश की पूजा के लिए ये बहुत ही खास दिन है। चतुर्थी तिथि के स्वामी स्वयं भगवान श्री गणेश हैं, इसीलिए हर महीने के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत और पूजा की जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वरद चतुर्थी कहा जाता है। ये मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए ये अंगारक चतुर्थी कही जाएगी। मंगल की शांति के लिए खास है ये दिन। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में हो या वर्तमान में जिसे मंगल ग्रह के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, उनके लिए अंगारक चतुर्थी बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन मंगल ग्रह की पूजा करने से व अन्य उपाय करने से मंगल की शांति होती है और परेशानियां कम होती हैं। आइए जानते हैं अंगारकी चतुर्थी की पूजा विधान। इसमें
उपवास सूर्योदय से लेकर शाम को चंद्रमा के दर्शन तक है। व्रत को मंगल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी को षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए लाल रंग की मूर्ति या गणपति के चित्र का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन गाय के घी में सिंदूर मिलाकर दीपक जलाना चाहिए। इस दिन गुग्गल यानी कि सुगंध धूप का प्रयोग किया जाता है और जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो गेंदा के फूल होते हैं। इस दिन सिंदूर गणेश मूर्ति का एक और महत्वपूर्ण अर्पण है। इस दिन गुड़ का मोदक या मिठाई बनानी चाहिए। इस दिन केवल मूंगफली के साथ गुड़ मिलाने से बहुत शुभ होता है। मूंग यानी कि मूंगा माला या लाल रंग की माला का उपयोग करके एक गणेश मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम चंद्र चूड़ा मर्रे नमः या कोई गणेश मंत्र जिसे आप जानते हों, ऐसा माना जाता है। इस दिन लाल रंग का कपड़ा पहनकर दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। आप इस दिन गरीबों को खाने का सामान पैसा या कपड़े दे सकते हैं। व्रत रखने वाले इस दिन फल साबूदाना और अन्य व्रत के खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। इस दिन नमक न लें, बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए। इस दिन मांसाहारी भोजन से पूरी तरह परहेज किया जाता है। इस दिन भगवान गणपति को 11 लड्डू चढ़ाने और फिर शाम को बच्चों को देने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन गणेश जी को 4 बिल्व बीज चढ़ाकर घर में धन की जगह पर रखने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और ये अंगार की संकटि चतुर्थी के मंत्र हैं। आप इस दिन इनका जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम चंद्र चूड़ा मरे नमः और ओम चंद्र चूड़ा मनेये नमः। और इस दिन ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। श्री गणेश भगवान जी को पवित्र फूल ही चढ़ाया जाना चाहिए और भगवान श्री गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। दूर्वा से गणेश देवता पर जल चढ़ाना पाप माना जाता है और जो फूल बासी हो, अधखिला हो, कीड़े युक्त हो वो श्री गणेश भगवान जी को कतई ना चढ़ाएं। अतः इस प्रकार श्री गणेश चतुर्थी व्रत करने से जीवन की हर समस्याओं का समाधान शीघ्र ही मिल जाता है। और दोस्तों ये थी जानकारी अंगार की चतुर्थी 2023 की और आपसे इस पोस्ट से अब हम आज्ञा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात शीघ्र होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।